लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर दर्जनों छात्र छात्राएं उपायुक्त से मिलने फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि बंद पड़े शिक्षक संस्थानों को खोला जाए। उपायुक्त से मिलने पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सरकारी विभागों में समय समय पर निकलने वाले पदों के लिए शैक्षणिक तैयारियां कर रहे हैं, मगर कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उनका कहना था कि इन परीक्षाओं के लिए आयु सीमा तय होती है, आयु निकल जाने के बाद उन्हें इनसे महरूम होना पड़ सकता है, इसलिए उनकी तैयारियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाए ताकि समय पर वे अपनी पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। हम यहाँ पे अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ डीसी सर को ज्ञापन देने आए हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान जितने भी बंद पड़े हैं उन्हें भी खोला जाए। जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाएगी, हम सारे इतने तो काबिल हैं कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। भी छोटे बच्चे हैं वो फॉलो नहीं कर पाते, हम इतने बड़े हैं कि हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और 1.5 साल से लगातार कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल भी नहीं रहे हैं, भर्तियाँ भी नहीं हो रही है और हम ओवर एज होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी नौकरियाँ प्रभावित हो रही है और ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम आज ओवर एज हो जाएंगे तो फिर आगे हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अच्छे से हमारी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। अगर नौकरियाँ नहीं मिलेगी तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। सर, हमारा जिस तरह शैक्षणिक स्थानों से हम आए हैं पिछले 1-1.5 साल से, जैसे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से न तो कोई भर्ती हुई है और जैसे जैसे आ रहा है और टाइम जा रहा है और न कोई भर्ती हो रही है न कुछ, और उम्र भी निकलती जा रही है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं शैक्षणिक स्थानों के लिए, भी हमारे शैक्षणिक स्थान ओपन किए जाएं और जल्द से जल्द ओपन हों और भर्तियाँ की जाएं। सर, कोरोना तो फिर जैसे ये देखिए हर एक चीज़ जो भी सरकार की तरफ से हमें गाइडलाइंस दी जाएंगी, जितने बच्चे कहेंगे जो भी बोला जाएगा हम उस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे अब देखिए जी मॉल ओपन कर दिए गए हैं, हर एक चीज़ ओपन कर दी गई है, लेकिन शैक्षणिक स्थान बंद पड़े हैं।